देखिए किस टाइप से वायरलेस पावर ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए मेरा ट्यूबलाइट जो है तो ये CFL का जल रहा है ट्यूब इसका। हेलो, मैं उषा रुकमा। आज हम आपको बताएंगे निकोला टेस्ला का वो कौन सा एक सपना था जो अधूरा रह गया। निकोला टेस्ला वही है जिन्होंने एसी करंट का खोज किया था। उनका एक सपना था बिना तार का एक जगह से दूसरे जगह करंट ले जाया जाए। इनके लिए उन्होंने बहुत सारा सेटअप बनाया था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन फंडिंग नहीं होने के कारण उनका एक दो सपना अधूरा रह गया था। हम आपको दिखाएंगे वो कौन सा उनका सपना था, वो किस टाइप से वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते थे। तो इसी एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हमारे साथ वीडियो का आखिरी तक बने रहेंगे, इसके बाद हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, इस टाइप से हमको PVC पाइप का जरूरत पड़ेगा और हमको ये वाला वायर का जरूरत पड़ेगा। इसका यूज करके हम टेस्ला कॉइल बनाएंगे। देखिए टेस्ला कॉइल किस टाइप से बनाया जाता है। हमको छोटा सा जो वायर का इंड है इसको इस होल के थ्रू यहाँ रख लेना, उसके बाद टोटल वायर को इसके ऊपर हमको लपेट देना पूरा सटाते हुए, पूरा टाइट में इसको करना है। तो देखिए ये मेरा टेस्ला कॉइल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके साथ क्या क्या सर्किटरी का जरूरत पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। LED का जरूरत पड़ेगा, एक 22K रेसिस्टर का, उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का जरूरत पड़ेगा जिसका नंबर है 2222। तो हमने इस टाइप से पूरा टेस्ला कॉइल बना लिया। इसको किस टाइप से बनाया इसका सर्किट डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो अब इसका हम टेस्टिंग करते हैं। पहले हम 5 वोल्ट पे देखेंगे कितना ज्यादा इस पे जो होता है ये वायरलेस पावर को ट्रांसफर कर रहा है, फिर हम 9 वोल्ट के बैटरी पे देखेंगे कितना ज्यादा वायरलेस पावर ट्रांसफर कर रहा है। अब इसका टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये जो मेरा पावर बैंक है ये मात्र 5 वोल्ट देता है, जब इसको कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट पे दिखाते हैं कितना ज़्यादा इसमें पावर ट्रांसफर हो रहा है। इस टाइप से देखिए एक माइनस का वायर होता है मीटर से जो कनेक्ट होता है, इसको हम माइनस वाला वायर यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। इसका बैटरी का कनेक्शन हो चुका है, अब इसको हम दिखाते हैं ऑन करके किस टाइप से यह काम करता है। ये देखिए मेरा टेस्ला कॉइल ऑन हो चुका है। अब देखिए ये किस टाइप से बल्ब जल रहा है, इसके पास ही ले जाते जैसे ही, देखिए नीचे में हम ले जाते हैं तब जाके ज़्यादा ये ग्लो करता है। देखिए किस टाइप से वायरलेस पावर ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए मेरा ट्यूबलाइट जो है तो ये CFL का जल रहा है ट्यूब इसका।
अब हम क्या करते हैं, 9 वोल्ट के बैटरी पर कनेक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कितना ज़्यादा इसका ट्यूब लाइट कर रहा है। तो अब इसको हम 9 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं, माइनस वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, प्लस वाला यहाँ पे करते हैं, फिर जाके इसका स्विच जो है ऑन करेंगे। तो ये देखिए मेरा कॉइल ऑन हो चुका है, अब देखते हैं लाइट कितना ज़्यादा इस पर ग्लो कर रहा है। देखिए किस टाइप से पास ही ले जाते हैं, ये चालू हो जा रहा है इसका, इस साइड में ज़्यादा ये काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो एक वायर हम निकाल दें उसके देखिए पास ही ले जाने पे किस टाइप से ये जल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही चुके किस टाइप से वायरलेस पावर ट्रांसफर कर सकते हैं टेस्ला कॉइल बना के, तो टेस्ला का यही एक सपना था जो अधूरा रह गया। देखिए इसका यूज इसलिए अभी मार्केट में नहीं किया जाता, इसमें बहुत सा एनर्जी वेस्टेज हो जाता, बहुत कम एनर्जी रिसीव होता है। तो टेस्ला अगर इस पर और ज़्यादा काम करता तो वो जो बनाना चाहता था वो बना लेता, फुली सक्सेसफुल हो जाता पूरा वायरलेस पावर ट्रांसफर के जरिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस एक्सपेरिमेंट में इतना, इसी टाइप का एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट देखने का हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।